अरे अरे शादी नाटक कर लिया, अभी सच्चा करते बोल दो ना, सच्चा ही बोल दो ना। यार गरीब भाई यार। चलो तुमने बता दिया क्या है मेघा को सब कुछ यार? हाँ नाटक क्यों कर रहे हो, बोल दो अब क्या छुपाना है। देखो अभी तुमको पता ही है फ्री फायर बैन हो चुका है। अभी यार यूट्यूब चैनल भी अच्छे से चल नहीं रहा, व्यूज भी नहीं आ रहे, तो पैसा भी नहीं कमा पा रहा हूँ। तो मम्मी ने बोला कि क्या करेगा यूट्यूब वगैरह में, एक काम कर शादी कर ले, सेटल हो जा और कुछ जॉब कर ले। तो मेरे को अच्छा अब मैं क्या बोलूँ यार। पहले मैंने मम्मी को मना किया, मैंने बोला ना मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ, कोलकाता में रहती है। तो मम्मी ने बोला तेरे जेब में पैसा है इतना कि तू कोलकाता जाके उससे शादी कर सकता है। रुको जरा सबर करो। वैसे वैसे शर्मी शर्मी तुम्हारे घर के पास से है क्या? हाँ शर्मी तो मेरे घर के पास से ही है। हेलो शर्मी, क्यों नाचो? हाँ भालू अच्छी खत्म। तुम्हारे पास के लोग कैसे बंगाली बोलते हैं बे? अच्छा उसमें शर्मी शायद बंगाली चलती है क्या? है थोड़ी मतलब तुम तो कोलकाता से हो ना शर्मी? हाँ तो मतलब पहले मैं कोलकाता से थी, बट मेरे अबे शादी के बाद, पापा शादी के की। बाद उत्तराखंड आ गई है ना वो, शादी के बाद उत्तराखंड आ गई है ना। अच्छा बहन तुम चुप करो ना, हमसे बात करने दो ना। वो तो शादी तुम्हारा तुम्हारा नहीं, तू तो आता तो तुम अगर कोलकाता से लड़की से शादी करना है तो मेगा से क्यों नहीं किया? A few moments later. मैं तुमको हर जगह से ब्लॉक कर रही हूँ, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हर जगह से। मैं तुमसे कोई जगह में बात नहीं करूँगी। तुमको शादी करने का शौक है ना इतना, तो जाके शादी करो। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी ना, तुम मेरे से बात करने की कोशिश भी करना। So, you what's up, guys? कैसा सभी लोग, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस यार आप में से बहुत सारे बंदे मेरे से बोलने में लगे थे कि यार लूफी भाई बहुत दिन हो गए, मेगा के ऊपर कोई प्रैंक करो। सो गाइस आज मैंने सोचा कि क्यों ना यार मेगा के ऊपर प्रैंक किया जाए, वो भी गाइस ऐसा वैसा नहीं भाई, बहुत तगड़ा प्रैंक होने वाला है। सो गाइस इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, आप लोग को लिटरली इतनी हंसी आएगी ना कि हंसते हंसते आप लोग के पेट में दर्द होने लग जाएगा यार। सो गाइस अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस एक काम करते हैं, मैंने अभी ना सबको सोच के रखा है, मैं अभी एक ग्रुप में कोई लड़की को देखता हूँ, क्या कोई लड़की होगी या तो उससे बात वगैरह करते हैं थोड़ा सा ना, हम लोग ट्राई कर देगी भाई यार सब कुछ सही हो जाए। शर्मी दिख रही भाई, शर्मी हेल्प कर सकती है मेरी। अबे डुबो करके रखिए। हेलो शर्मी। हाँ अरे क्या कर रही थी यार तुम, मेरी यादों में तो नहीं खोई थी कहीं? अरे नहीं नहीं, वो मैं ऐसे ही ग्रुप में खड़ी थी, वो सोच रही थी किसी को बुला के कह लूंगी ना, अच्छा तभी ठीक है। आपने वो। अरे मेरी बात सुनो, तुम अभी फ्री तो होगी ना, तुम कुछ कर थोड़ी रही होगी? नहीं नहीं कुछ नहीं कर रही थी। तो चलो ना कुछ करते हैं यार, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, मेरे पे एक प्लान है, एक प्रैंक करते हैं वीडियो के लिए, तो थोड़ा मेरा भी कंटेंट निकल जाएगा, तुम भी बोर हो रही होगी, तुम भी मजे ले लेना। कैसा प्रैंक करना है? अरे प्रैंक करना है मुझे मेघा के साथ। अभी प्रैंक इस तरीके का करना है कि तुम्हारी और मेरी शादी होगी और हम दोनों साथ में रहते हैं। क्या पागल हो क्या? अबे कसम से बोल रहा हूँ शर्मी, बहुत मजा आएगा, एक बार करके तो देखते हैं। चलो ओ बहुत मारेगी मुझे, इतना गाली सुनाएगी ना, क्या ही बोलो, मुझे नहीं करना ऐसा प्रैंक। प्रैंक अरे यार डांटेगी जो भी करेगी, अब यार उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन सुनो ना मजा बहुत आएगा। अरे मेरी बात मानो तो सही यार, एक बार के लिए कर लो यार, नहीं डांटेगी ना, बाद में बोल देंगे हम प्रैंक कर रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, एक मिनट के लिए मैं मान भी गई, बट मेघा थोड़ी ना मानेगी। क्या क्या नहीं मानेगी? कि हम दोनों ने शादी कर लिया है। अरे क्यों नहीं मानेगी यार, क्या बात कर रहे हो, मैं मनाऊंगा ना उसको। अच्छा अरे नहीं मानेगी, आप पागल वागल हो क्या? ऐसा क्या ऐसे हो सकता है यार? अबे मेरे पे एक बंदा है भाई, अगर वो बोलेगा ना मेघा को कि हम दोनों की शादी होगी, हम दोनों साथ में रहते हैं, वो मान जाएगा, कसम से वो मान जाएगी। अच्छा देखो आपको जो अच्छा लगे। ये स्कॉर्ड करो ना, स्कॉर्ड करो, मैं बुलाता हूँ वो बंदे को, अपना एक है ना बंदा, हाँ एड्स गरीब लल्ला बे आ गया। हेलो आ? अरे हेलो सुनो मेरी बात, बोलो बोलो। अबे मेरे को तुमसे काम है, तुम क्या कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ, बोलो। अरे मैं ये बोल रहा था कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, प्रैंक वीडियो मेगा के ऊपर, ठीक है? तो अभी सीन ऐसा। अरे यार क्यों नहीं आओगे, आओ ना, ये देखो ऑनलाइन भी बैठी है, मेरी बात सुनो। अरे ना यार मेरे को झगड़ा वगैरह करना पड़ता है बाद में लौड़ा। अरे पहले कॉन्टेंट तो सुन लो। हाँ बोलो। देखो कॉन्टेंट ऐसा है, शर्मी दिख रही है तो शर्मी और मैं शादी शुदा है ऐसा बोलना पड़ेगा तुमको बाद में, और हम दोनों साथ में रहते हैं ये भी बोलना पड़ेगा। ये क्या जबरदस्ती है लाला, तुम बाद में मेरा ऊपर बीतेगा ना, तुम तो दूर से सुन लोगे गाली वाली। भाई तुम क्यों गाली सुनोगे, मेरी बात सुनो, तुम उसको भड़काना ना, और तुम अगर बोलोगे ना मेघा को तो भाई वो किसी की बात पे यकीन नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारी बात पे जरूर यकीन कर देगी कि हम दोनों शादीशुदा है, तो इसलिए मैं तुमको बुला रहा हूँ। बुलाओ क्या फिर मेघा को,
अबे अभी मत बुलाओ, एक काम करो तुम उसके ग्रुप में जाओ, उसको ऐसा बोलो कि लूफी की शादी होगी है और क्या कहता है वो अपनी बीवी के साथ है अभी ग्रुप में, ठीक है? और उसको ऐसा बोलना कि तुम वीडियो बना रहे हो और फेस कैम ऑन कर लिए कंटेंट के लिए साला, ताकि मेरे को मिल जाए बाद में वो फेस कैम। चलो मैं जाके बोल के आता हूँ। हाँ ठीक है, गुड लक ब्रो। अरे शर्मी रेडी रहना, ठीक है, मजे करते हैं। अरे यार शर्मी काफी देर हो गई यार, अभी तक तो आई नहीं आ रही है, मेरे को पता नहीं क्यों धक धक हो रहा है अंदर से एकदम। तुमसे ज्यादा तो मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या ही होगा। अबे तुम मेरी बीवी बनने की एक्टिंग करना, काम हो गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गरीब भाई का मैसेज आ रहा है, काम हो गया करके। एल लगेगा आप दोनों का। अबे जो एक मिनट, अबे मेगा का भी मैसेज आ रहा है। मेगा गुस्सा कर रही है मेरे ऊपर, रुक जा, मैं गरीब भाई को बुलाता हूँ। बुला मेरे को तू, अबे ये क्यों गुस्सा कर रही है? बस हवा निकल गई। गरीब भाई तुमने क्या बोल दिया उसको? मैं बोल के आया था जो जो बोलना है वो एकदम पूरा फायर में। बुलाओ अभी। अबे सारा तुम बुलाओ ना, अगर मैं बुलाऊंगा मेरे को गाली दे देगी वो। बुला ले। ए हेलो। हेलो। ओए हेलो, क्या सुन रहे हो? हेलो क्या सुन रही हो? क्या सुन रही हो? वही तो पूछ रही हूँ मैं, क्या सुन रही हूँ मैं? क्या सुन रही हो फिर? वही तो पूछ रहा हूँ मैं भी, क्या सुन रही हो? आप हो कौन बहन जी? क्या बहन जी? आप हो कौन बहन जी? और आपको मेरा डायनेमिक डुओ किसने बनाया? तेरी रुक, गरीब भैया ये सच है क्या? ये शादी करने ये सब बातें इसके सामने बोलो। अबे सच है ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अबे तुम इधर गेम में क्या खेल रहे हो लोड़ा? उधर जाओ घर में जाके कुछ और खेलो लोड़ा, समझ रहे हो? शादी कर लिया, इधर क्या कर रहे हो? अबे तो शादी तो कर लिया, लेकिन ये बहन जी कौन है? ए फालतू बातें मत कर एकदम, ठीक है ना? अभी ये बहन दूंगी। ये बहन जी है कौन बे? ये मेगा लव लूफी नाम रखी है। हेलो मैम। हेलो, इसका बीबी कौन है? वैसे इसका नाटक बाहर कर निकाल। ये है ना ग्रुप में बैठी। मेरा बीबी मेरा सती सावित्री, ये बहुत शर्मी है, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा अच्छा बेटा। हाँ अरे शर्मी हेलो, मतलब तुम धोखा देने में एक मतलब क्या बोलूं? अबे मैं तुमको जानते ही नहीं, तुम हो कौन? मेरी बहन जैसी हो तुम यार, तुमको क्या धोखा दूंगा यार मैं? छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सु। अरे शादी कर ले, अबे सच्चा बोल दो ना, सच्चा ही बोल दो ना यार। गरीब भाई यार चलो, तुमने बता दिया क्या मेघा को सब कुछ यार? हाँ नाटक क्यों कर रहे हो, बोल दो अब क्या छुपाना है? अरे मेगा हेलो यार, कितना कह सकता है कोई कुछ मेरे बारे में? बोलने से पहले मेरी बात तो सुन लो मेगा यार, क्या पता हो सकता है ना कि मैं भी सच हूँ, मेरा भी कुछ रह सकती ना यार, देख मजबूरी रह सकती कि मैं तेरे से अलग हो गया हूँ, जरूरी थोड़ी है ना कि ऐसा हो कि मेरे को तेरे से अलग ही होना था यार, मेरी मजबूरी तो सुन ले कम से कम। नहीं सुनना है कोई मजबूरी। अरे शर्म कहीं का गरीब भाई, कौन सा मजबूरी था साला तुम्हारा? गरीब भाई चलो मेरे को नहीं बोलना। क्या यार मैं इसको तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ, ये तो सुनना नहीं चाह रही है। ऐसा हुआ था ना गरीब भाई, देखो अभी तुमको पता ही है फ्री फायर बैन हो चुका है अभी यार, यूट्यूब चैनल भी अच्छे से चल नहीं रहा, व्यूज भी नहीं आ रहे, तो पैसा भी नहीं कमा पा रहा हूँ, है ना? तो मैं सैड म्यूजिक डाल देता हूँ पीछे। सैड म्यूजिक लगा दो यार। अरे तो क्या हुआ ना गरीब भाई यार, देखो अभी पैसा ऐसा कमा नहीं पा रहा हूँ, तो मम्मी ने बोला कि क्या करेगा यूट्यूब वगैरह में, एक काम कर शादी कर ले सेटल हो जा और कुछ जॉब कर ले। तो मेरे को अब मैं क्या बोलूँ यार, पहले मैंने मम्मी को मना किया, मैंने बोला ना मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ कोलकाता में रहती है, तो मम्मी ने बोला तेरे जेब में पैसा है इतना कि तू कोलकाता जाके उससे शादी कर सकता है, तो यार मुझे बहुत बुरा लगा यार गरीब भाई, और ये सच्चाई थी यार कहीं ना कहीं यार। अभी शर्मी मेरे घर के बगल में ही नहीं है, समझ रहे हो, मेरे पड़ोस में रहती है ये। तुझे यकीन नहीं आ रहा? देख मेगा तेरे को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, तू शर्मी से पूछ ले, मैंने शर्मी को तेरे बारे में बता रखा है, पूछ ले। तो अभी नाटक क्यों कर रही थी ये शर्मी? अभी तो जगह करके फायदा क्या है? हेलो शर्मी बात करो ना, शर्मा क्यों रहे हो? अरे नहीं आप सब बोल रहे तो मैं कैसे बोलूं? देखो मेघा मैं तुम्हें जानती हूँ और ये भी मुझे पता है तुम लोगों का रिलेशन बहुत दिनों से था, बट अब लूफी जी क्या ही करेगा, उसके घर वाले के लिए उसको शादी करना पड़ा, मजबूरी था ना। ये तो मैं अक्सर लड़कियों को सुनते सुना बोलते सुना है, साला लड़कों का भी ऐसा होता है क्या? होती है मजबूरी यार। मेगा मैंने बोला था पता शर्मी से कि कुछ भी हो जाए हमारी शादी हो जाए भले, लेकिन मैं प्यार तो मेगा से ही करता हूँ, तुझे यकीन नहीं आ रहा मेरे पे, पूछ ले यार इससे।
तो पूछ ले, तुम मुझे गलत समझ रही है मेघा आज। यार सच में मेघा ऐसा ही है। मैं तुम्हारी शादी भी हो जाए मैं तो फिर तुमसे करती हूँ ना यार। अब लेकिन कुछ हो नहीं सकता ना मेघा यार, हमको भाई बहन बन के रहना पड़ेगा ना यार। क्या तो मेरी शादी होगी, अब मैं हर्ट नहीं करना चाहता ना यार तेरे को। अच्छा तू मेरी यादों में अभी भी खोई रहेगी, तू मेरे से अभी भी प्यार करते रहेगी, ऐसा हो नहीं सकता ना। मैं तो शादी शुदा हो चुका हूँ यार, अब तो देखो मेरे को अंकल बोलना चाहिए। एक काम करो यार सर, मैं एक गेम लगाओ यार, एक गेम खेलते हैं यार, एक आखिरी गेम खेलता हूँ मैं अपनी बहन के साथ। तुम लोग साला शादी होगा, कब शादी हुआ तुम्हारा? हाँ कब शादी हुआ, कल हुआ क्या? नहीं हमारा शादी हुए तो एक हफ्ता हो चुका है। चीटिंग 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 करता है तू। एक हफ्ता हो चुका है, तुम अभी इधर क्या कर रहे हो? शादी की बात तो लोग एक महीने तक घर से नहीं निकलते। वैसे वैसे शर्मी शर्मी तुम्हारे घर के पास से है क्या? हाँ शर्मी तो मेरे घर के पास से ही है। हेलो शर्मी कैमो नाचो भालो अच्छी खत्म। हाँ तुम्हारे पास के लोग कैसे बंगाली बोलते है थोड़ी मतलब। हाँ मतलब पहले मैं वेस्ट बंगाल में रहती थी, अभी मैं उधर चली गई हूँ ना इसी वजह से। कोई सेंस है इस बात का? अच्छा अच्छा भैया रुजा 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 रुको रुको शर्मी तुम्हारा दोस्त को मैसेज कर रहा हूँ। तुम तो कोलकाता से हो ना शर्मी? हाँ तो मतलब पहले मैं कोलकाता से थी बट मेरे अब शादी के बाद, शादी के बाद उत्तराखंड आ गई है ना वो, शादी के बाद उत्तराखंड आ गई है ना। अच्छा बहन तुम चुप करो ना, हमसे बात करने दो ना। वो तो शादी तुम्हारा नहीं, तू तो आता था, तुम्हारा कोलकाता से लड़की से शादी करना है तो मेगा से क्यों नहीं किया? उधर पैसों का याद नहीं आया क्या तुम्हारा? उधर तुम्हारे मम्मी ने नहीं बोला क्या कोलकाता से कैसे लाएगा? ये तो धोती खोल रहा है। अरे तो शर्मी खुद आ गई ना यहाँ। हाँ तो मेगा भी चली जाती क्यों? मेगा मेगा तुम आ जाती क्या? क्यों नहीं आती? तो पहले क्यों नहीं बताया? मैंने खामखा शर्मी से शादी कर ली। अरे मेगा तू क्या बना रहा है ये? मेरे को पता चल गया आप नहीं मुंह में फंस गया क्या कुछ बोला ना? या मैं पागल नहीं बना रहा हूँ ना मेघा, देख मैं तेरे को बता तो रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, शर्मी से पूछ लेना। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं झूठ बोलता तो मैं शर्मी को ऐसा क्यों बोलता कि मैं मेघा से प्यार करता हूँ? अच्छा तो मेरी बात पे विश्वास करना। अब मेरी अरे मेरी मम्मी से क्या पूछेगी, मेरी मम्मी अब किसी और की सास बन चुकी है। देखो मेरी बात पे विश्वास नहीं है, देखो सच में मेरी बात पे विश्वास नहीं है। नहीं है यार तू चिंता क्यों करती, जब हमारे बच्चे होंगे ना शर्मी और मेरे, उसका नाम हम मेगा रखेंगे बे। साले का खोपड़ी तोड़। इससे तुम्हारे बारे में शर्मी को क्यों बताया बताया, ताकि कभी ऐसा सिचुएशन हो ना तो ये बच सके। अबे क्यों बचना है बे, क्यों बचना है? शर्मी पागल है क्या बे? शर्मी ये सुन के कि हाँ भाई मैं भी मेगा से प्यार करता हूँ ऐसा सुन के भी मेरे साथ रहेगी, क्योंकि शर्मी को रिस्पेक्ट है ना यार, प्यार की कदर करती है ना यार वो। तुम क्या कहना चाहते हो मेगा? मेगा प्यार की कदर नहीं करते, ये बोलना चाहते। शर्मी को बता के क्यों रखा हूँ? अगर मैं शर्मी से ही शादी करना चाहता तो मैं शर्मी को क्यों बोलता कि मैं तेरे से अभी भी प्यार करता हूँ? तू खुद पूछ लेना शर्मी से। शर्मी मैंने तुमको बोला नहीं बोला है, बताओ। हाँ भैया ये भी तो सही बोल रहे हैं यार। वही तो मेरा बात सुनो इसने मेरे को पता है ना, मैं इस बारे में माहिर हूँ खिलाड़ी हूँ। देखो इसने क्यों बताया, मैं तुम्हें हिसाब किताब लगा के बोलता हूँ। सुनो अबे तुम्हारा अलग दिमाग चलता है क्या, तुम्हारा हिसाब किताब चलता है क्या? मतलब यार शर्मी भी बोल रही है कि हाँ मैं यार क्या यार, शर्मी को रिस्पेक्ट है भाई, वो प्यार करने वाले की कदर करती है भाई। कोई बात नहीं मेघा, इस जन्म हम लोग साथ नहीं हो पाएंगे तो कोई बात नहीं यार, अपने बच्चों का नाम मैं मेघा रखूंगा, कह तो रहा हूँ। अरे देखो चुप करना अपना पास, मैं सबने पास रख। अगर लड़का होगा तो उसका नाम भी मेघा रख दोगे क्या? रख दूंगा भाई, मैं इतना प्यार करता हूँ मेघा से। अच्छा हाँ बहुत प्यार करते हो। मेगा सुनो इसने इसलिए बताया ताकि ऐसा सिचुएशन कभी आया ना, दोनों सामने सामने हो जाओ ना, फिर ये बात सके। और शर्मी ने क्यों कुछ नहीं बोला, क्योंकि शर्मी की शादी हो चुकी है। शर्मी को पता है ये आप मेरे को छोड़ कहीं नहीं जा सकता, समझ रहे हो भाई? आपका नॉलेज तो कमाल का। अबे भाई क्या बात है भाई, क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो यार शर्मी, तू खुद सोच मेगा। वही तो तू खुद सोचना मेगा, शर्मी इतनी पागल है क्या ये सुनने के बाद कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ वो मेरे साथ रहेगी? हाँ इतनी खूबसूरत है ना शर्मी, मन करता किस कर लूँ उसको, लेकिन यार भाई साला बोल रहे हो। अरे नहीं मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि शर्मी इतनी खूबसूरत है,
मैं साला शर्मी के लिए लड़कों की कमी है क्या? ओ अच्छा, इसलिए क्या? यही मेन बात है, यही मेन बात। अरे तो ये मेन बात नहीं है ना मेगा। रुको, एक काम करो, सब इधर आओ, शर्मी इधर आओ, शर्मी माइक ओपन करके इसको बता दो यार, आज बता दो शर्मी इसको। मैंने तुमको बोला नहीं बोला शर्मी की मैं मेघा से प्यार करता हूँ? हाँ मुझे पहले से ही पता था ना कि मेघा से। मेघा मत करो प्लीज, मेघा प्लीज मत कर, मेघा मेरा हेल्थ चला जाएगा यार, खुद मर रही है तो मरना, मेरे को क्यों मार रही है? तू नहीं मरेगा, प्यार करते है ना मर जा फिर। अबे यार तुम साले, तुम दोनों के दोनों यार हराम करो। मेघा इधर देख, मैं आज इन सबके सामने बोलता हूँ आई लव यू, बट अब कुछ कर नहीं सकते ना, मैं हूँ शर्मी के साथ तो शर्मी को भी आई लव यू बोलना पड़ेगा। शर्मी आई लव यू। कोलकाता से लड़की से शादी करने के लिए तुम्हारा मम्मी को प्रॉब्लम था, लेकिन तुम लास्ट में कोलकाता के लड़की से शादी किया तुमने। अरे तो क्योंकि शर्मी खूबसूरत थी ना। अरे तो मतलब मेघा भी खूबसूरत थी ना, लेकिन शर्मी थोड़ा ज्यादा खूबसूरत थी, समझ रहे हो? लेकिन प्यार तो मैं मेघा से ही करता था, लेकिन मैंने सोचा वन लाइफ ब्रो, क्यों ना एक आखिरी जिंदगी में खूबसूरत लोग के साथ रहूं। कोई बात नहीं, खुश रहना। बिल्कुल, वो तो खुश हुई मैं, तभी तो मैंने शादी करी। मेरी बात तो सुन। हेलो क्या? अबे तुझे क्या लगता है डरता हूँ क्या मैं? शर्मी से प्यार करता हूँ साला। शर्मी हाँ, इसको बता दो कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बहुत देर से नाटक कर रहा हूँ, मैंने सोचा निब्बी है साली, हाथ हाथ काट लेगी, कुछ कुछ कर लेगी, इसलिए मैं ऐसा झूठ का नाटक कर रहा हूँ कब से। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ठीक है? कोई बात नहीं। अरे भाई हाँ साला, तुमने मेरे से दुश्मनी करी थी ना एक दिन, दो तुम्हारी बहन का दिल तोड़ दिया, बोलो अब क्या कर लोगे? बोलो। इसलिए मेरे से भैया क्या अब कर बहन, अच्छा हुआ मर गया गरीब भाई। इसलिए भैया इसने ऐसा किया हमारे साथ। लो ले लिया बदला। हाँ बदला तो लिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम भी लेंगे, रुक जाओ। मेघा सुन, मैं तेरे को अनफ्रेंड कर रहा हूँ, और तेरे को ये बताना चाहता हूँ कि मैं डायनेमिक डो तोड़ रहा हूँ अपना, मेरे को दूसरा डायनेमिक डो बनाना है अपनी बाबू के साथ। यस अपना ये निब्बा पंच मेरे सामने मत करना प्लीज। अबे जाओ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ बैग कर। अबे तू क्या जाएगी? मैं जा रहा हूँ बैग, चला गया बैग, जा मैं भी जा। A few moments later. देखो मेरे को पता है कि तुम आके मेरे से ऐसा ही बोलोगे कि हाँ मैं तो प्रैंक कर रहा था, ये कर रहा था, पर मेरे को पता है कि ये प्रैंक नहीं था। हाँ और ये तुम्हारी शादी हो गई मेरे को लगता है, क्योंकि हर टाइम कोई ऐसा प्रैंक नहीं करता है कि मेरी शादी हो गई, मेरी ये हो गया, मेरा वो हो गया। हाँ और अगर करते भी हो, अगर किया भी है ना प्रैंक, तो इसके बाद सुन लो, मैं तुमको हर जगह से ब्लॉक कर रही हूँ, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, हर जगह से। मैं तुमसे कोई जगह में बात नहीं करूँगी। तुमको शादी करने का शौक है ना इतना, तो जाके शादी करो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, ना तुम मेरे से बात करने की कोशिश भी करना। सो गाइस, अभी आप लोगों ने एक क्लिप देखी होगी यार, लिटरली गाइस मुझे नहीं पता था कि मेघा मेरे से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। वैसे भी गाइस मैं जब कभी भी उसके ऊपर प्रैंक करने जाता हूँ भाई, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है यार। एंड गाइस इस बार तो उसने मुझे व्हाट्सएप एंड हर एक जगह से ब्लॉक कर दिया है, कसम से मुझे अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बट गाइस मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, गलती मेरी ही थी। बट गाइस आप लोग भी मेरे से बोलते रहते हो कि यार अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर प्रैंक करो, मेघा के ऊपर प्रैंक करो, तो गाइस यार अभी मैं प्रैंक नहीं करने वाला। और अगर गाइस अगर आप लोग इस वीडियो में 20,000 लाइक कर दे तो, मुझे पता है टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन गाइस अगर आप लोग 20,000 लाइक कंप्लीट कर दे तो तभी मैं जाके मेघा के ऊपर कोई प्रैंक करने वाला हूं।